अस्सलाम वालेकुम। चैनल दस्तखान की रौनक में आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। काफ़ी अच्छी रेसिपी है ये, बहुत ही बढ़िया हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार होता है। यहाँ मैंने दूध लिया है 1 लीटर, फुल फैट क्रीम हमारा दूध है। इसको हम पहले फ्लेम पे रखेंगे, फुल फ्लेम पे इसको एक उबाल हम देंगे। कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने वनीला फ्लेवर, थोड़ा सा सफ़ेद अंगूर है, थोड़ा सा ही काला अंगूर है, एक अनार है, 2 केला, 2 सेब। इसको हम कट कर लेंगे सभी को। थोड़ी सी जाफरान ली है, इसको मैंने केवड़ा पाउडर के साथ भिगो रखी है। 8 से 10 बादाम है, 8 से 10 काजू है। 150 ग्राम मैंने खोया लिया है, इसको मैंने हाथों से मैश कर लिया है। 200 ग्राम हमारी चीनी है। फ्रूट और ड्राई फ्रूट को हम कट करेंगे। पहले हम कस्टर्ड को तैयार कर लेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें हम 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। एक कप मैंने यहाँ ठंडा दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको हम एक घोल तैयार कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। ये देखिए, इस तरह से आप तैयार कीजिए घोल। दूध में उबाल आ गई है, फ्लेम को हम लो कर देंगे। इसको हम पकाएंगे 5 मिनट तकरीबन। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड का तैयार किया हुआ घोल ऐड करेंगे। इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको लगातार हम हिलाते हुए इस तरह से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ मैंने 3 छोटी इलायची के दानों को कूट लिया है, ये ऐड करेंगे। ज़ाफ़रान डालेंगे, मिक्स करेंगे, शुगर भी ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा कस्टर्ड का घोल और ऐड करेंगे ताकि हमें इसको ठीक तैयार करना है। फ्रूट डालने से ये थोड़ा पतला हो जाता है, इसको हम ठीक तैयार करेंगे। खोया ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको हम ठंडा होने देंगे अच्छे से। इसको एक बर्तन में डालेंगे ठंडा होने पे। अब हम इसमें कटे हुए फ्रूट सारे ऐड करेंगे, अनार, केला और कटे हुए सेब, अंगूर डालेंगे। इसको ही मैंने कट कर लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढककर फ्रीज में रखेंगे 4 से 5 घंटे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, 5 से 6 घंटे बाद मैंने इसको फ्रीज से निकाला है। यह हमारा काफ़ी ठंडा हो चुका है। फ्रूट कस्टर्ड बनकर हमारा तैयार है। इसको अब हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। कटोरी में भी सर्व कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग के लिए फ्रूट डाल देंगे। यह मैंने काजू को कट किया है, ये ऊपर से डालेंगे। कटे हुए बादाम है, ये देखिए, ठंडा ठंडा हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है। इस तरह से बनाइए, काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है ये जाफरान और खोए का। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिश को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।